जिसका हमें था इंतज़ार, आज वो दिन आ गया है। आज है रिलीज़ का मौका दंगल का, स्टारिंग आमिर खान, साक्षी तन्वर, जिसके डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी। वेल, मैं हूँ राहुल भोज और आज फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो में लेकर आऊँगा पब्लिक का रिएक्शन आफ्टर वॉचिंग दंगल। कितने स्टार्स देती हैं वो आमिर खान को, डायरेक्शन को और पूरी फिल्म को, जानेंगे ये सब बातें एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। कैसी लगी दंगल? बहुत अच्छी मूवी है दंगल, और आमिर खान तो हमेशा की तरह और अच्छा है उसका एक्टिंग इस बार। बहुत अच्छी लगी। That was amazing movie. You can't miss a single second of that movie. Both halves are amazing. बहुत ही बढ़िया मूवी है। I never seen best emotion movie. मूवी कैसी लगी, ये शब्द शायद इस मूवी के लिए नहीं है, क्योंकि I don't have any words to express. और ऐसी मूवी after 10 or 20 years के बाद आ रही है। They are all awesome. कि कुछ कमी नहीं थी। Yeah, movie was really very good movie. और मैं भी plan कर रहा हूँ कि एक बार और movie देख लूँ। Amazing movie. I think it's much awaited movie of Amir Khan. यार मुझे बहुत प्यारी लगी। I think आमिर खान ने इतना जस्टिस किया अपने रोल के साथ। बहुत अच्छी लगी, amazing movie, superb. Movie तो बहुत अच्छी थी, कुछ बोल नहीं सकती, इतनी ज़्यादा अच्छी थी। It was awesome. The chemistry was awesome. Amir Khan is as usual the best you can get. Inspirational movie, motivates you. You must watch film. You should watch it. बहुत अच्छी लगी, very inspiring and एक अच्छी फिल्म मेरी नज़र में वही होती है जब जो आपको भुला दे कि आप असल में क्या है, आपकी लाइफ क्या है, आपके बारे में भुला दे। जिसको मतलब पूरे पब्लिक लास्ट में जब जीत जाती है तो जनगण मन जो हमारे राष्ट्रगान है गाते हैं, तो उसके बाद खुद ब खुद ऑडियंस भारत माता के बोल लगाते हैं, जयगान करते हैं। और इंस्पायरिंग, जो कि एक इंसान को, एक लड़की को जो कमरे के अंदर बंद करके चूल्हा चक्की में डालना चाहते हैं, उन लोग के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। गीता जीती तो सब एक साथ क्लैप किया, सब खड़े हो गए, वंदे मातरम मतलब जनगण मन पे हम सब ने स्टैंडिंग परफॉर्मेंस ही दिया। आमिर खान और सारे टीम का परफॉर्मेंस कैसा लगा? आमिर खान का काम अच्छा ही रहता है हमेशा। जो भी सपोर्टिंग एक्टर्स एक्ट्रेस थे वो उसका भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, बहुत अमेजिंग। खान सुपर्ब है, वो दोनों लड़की भी एकदम मस्त है। दोनों लड़कियों का काम काफी काफी अच्छा था। Okay. बहुत ही अच्छा काम किया है दोनों। परफॉर्मेंस तो आप तो जानते ही हैं, सबको ही जानते हैं कि आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट, और वो हैं, और उनके सामने जो भी को एक्टर रहेंगे वो तो ऐसे ही बन जाएंगे हीरे। उसकी पहलवानी में मतलब वो लड़कियों ने भी पहलवानी सीखी है, ऐसा लगता है कि हाँ वो पहलवानी है, एक्टर नहीं है वो। परफॉर्मेंस वाइज जो दोनों गर्ल थी बहुत ही इमोशन से मतलब भरी हुई थी, और बिल्कुल मतलब रुला दिया उन लोगों ने फिल्म में, और बिल्कुल अब इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि भी छोड़ो ही मत, अगले भी 2-3 शो जितने भी ये सारे देख लो मतलब। और जहाँ तक आमिर खान की बात है, टेरिफिक परफॉर्मेंस है, टेरिफिक परफॉर्मेंस, सुपर्ब। सेम ईयर 10/10, आमिर हैज लिव्ड टू हिज नेम ऑफ मेकिंग ऑसम मूवीज, बीइंग एन सुपरस्टार। आमिर ने इतना जस्टिस किया है, और आमिर की एक्टिंग इतनी प्योरीफाइड है कि कहीं नहीं लगेगा यार ये नहीं यार असली वाला ज़्यादा रहा होगा, या फिर ये वाला पार्ट इन्होंने ओवर कर दिया है, अंडर रहा है। मेरे को लगता है बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। आमिर खान तो ऑब्वियसली परफेक्ट है, लेकिन इस बार ये जो चार लड़कियाँ थी, जो फातिमा हैं, उसके अलावा सानिया हैं, जरीन हैं, ये सारे चारों लड़कियाँ ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतना अच्छा परफॉर्म किया कि आने वाले टाइम में आमिर से ऊपर जाने वाली है लड़कियाँ। एज वी एक्सपेक्टेड कि 2 साल के बाद उसकी मूवी आएगी, तो एक्सपेक्टिंग था, लेकिन इतना ज़्यादा वो ओवर एक्सपेक्टेड हो गया है अभी देखकर। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से कूपर, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी एक्टिंग दोनों की, मस्त पिक्चर है, यू शुड वॉच इट। ईच एंड एवरी कैरेक्टर, ईच एंड एवरी एक्टर एक्चुअली टू द टी, सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। सपोर्टिंग हो या आमिर खान हिमसेल्फ, मतलब एवरीबडी वर्कड रियली हार्ड, मतलब वो दिख रहा है, इट शोज़ द हार्ड वर्क Did pay off. Direction कैसा था मूवी का? Direction was amazing. Every scene was properly planned and जहाँ पे चाहिए scene वहीं पे रखा था properly. Awesome direction. जो newcomer से लड़की है वो भी बहुत सही है, और मुद्दा भी बहुत सही है इस मूवी का, बिल्कुल best. Excellent each and every scene was excellent. कोई awesome बोलूँगा अभी तो ये बहुत ही कम रहेगा। था जो director का वो बहुत प्रॉपर दिखाया गया है, हमें बहुत अच्छा लगा। अंदर ऑडियंस बहुत चिल्ला रही थी, जब गीता हारती थी तो सबको ऐसा लगता था कि हम हार रहे हैं, और जब गीता जीती तो हम सबको ऐसा लगता कि हम पूरा इंडिया जीत रहा है। बिल्कुल डायरेक्शन यार, इतना बेहतरीन डायरेक्शन बहुत टाइम बाद देखने को मिला है। एक स्पोर्टी फिल्म देख करके ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम भी अब दंगल हो जाए। डायरेक्टेड रियली वेल, ओके, एंड यू कुड टोटली कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स। आई कुड सी टीयर्स इन पीपल्स आईज व्हेन द कैरेक्टर्स वर हैड, यू नो, व्हेन देयर आईज वर मॉइस्ट एंड ऑल। बहुत अच्छा उन्होंने किया है। आई थिंक उनका जो इमोशन पर होल्ड है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था इस फिल्म में, वो सबसे स्ट्रॉन्ग था।
So I did not find any soft spot or weak spot in the film. So personally, it really sailed me through. So, but I think climax में सब justified हो जाता है कि वो movie मतलब क्यों क्या क्यों देख रहे हैं आपको वो सब वो feel आ जाता है वो goosebumps तो आएंगे ही आएंगे. और अगर मैं पूछूं आपको out of 5 stars देने के लिए कितने stars देंगे आप? 5 से ज़्यादा. अगर 6 होता तो मैं 6 भी देता उसको. All 5. Okay. 5 of 5. ये मत पूछिए क्योंकि 5 से पूरा 5 10 भी रहता तो 10 देता. आउट ऑफ 5 यार मैं 5 किसी और कुछ जानता ही नहीं. मैं 5 में से 5 स्टार दूंगा इस मूवी. सभी देंगे. मैं नहीं सिर्फ सभी मैं सभी मैं जितने जिन्होंने मूवी देखी है वो 5 में से 5 स्टार देंगे. फुल 5. वाह जी वाह गुरुजी छा गए आप. सीरियसली आमिर सर पब्लिक ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया है. दंगल को 5 out of 5 मिले हैं यानी कि ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है और सदी की सबसे अच्छी मूवी मानी जा रही है. वेल आप भी देखिए दंगल और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी दंगल. वेल हम हैं बॉलीवुड स्पाय जो पहुंचाते हैं आप तक एक्सक्लूसिव खबर. देखते रहिए हमारा चैनल. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.